वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले बाइनरी डिवीजन, ठीक है। तो बाइनरी डिवीजन भी आपका सेम है जैसे हम लोग डेसिमल डिवीजन में करते हैं, ठीक है। जो डेसिमल सिस्टम में जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे ही, जैसे लेट्स सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 15 है, ठीक है। एंड 15 को आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करते हो, तो 5 3 15, ठीक है, ये 0। या इसको जस्ट थोड़ा सा आप एक इस चीज़ इस प्रोसेस को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, 5 को पहले 1 से डिवाइड करते हो, ठीक है। 5 को 1 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि 1 है 5 से छोटा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर दो काम किया जा सकता है। या तो आप यहाँ पर एक पहले 0 बैठाओ, ठीक है, एंड यहाँ पर एक 0 लगाओ, ठीक है। एंड उसके बाद से ये 0 में से 1 1 - 0 1 आ जाएगा। देन आप नेक्स्ट डिजिट उतारो 15, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि 1 और 5 को एक साथ डिवाइड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो अब पहले जो 1 को डिवाइड करते थे 5 से, अब नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 1 5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले 1 को डिवाइड किया लेकिन वो नहीं जा रहा था, छोटा था, इसलिए 0 टाइम्स लेकर गए एंड अगला डिजिट उतार लिया। तो अब हमारा हो गया 1 5 15। अब हम देखेंगे कि क्या 15 5 से जाएगा, छोटा या बड़ा? तो बड़ा है, ठीक है। तो क्या डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 3। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 15 एंड यहाँ पर 5 - 5 0 एंड 5 1 - 1 0, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को थोड़ा सा देखने का तरीका अलग है, ठीक है। या इसी प्रोसेस को आप ऐसे लिखो, ऐसे देखो कि 5 को आप क्या कर रहे हो, 15 को 5 से आप डिवाइड कर रहे हो। एंड आपने क्या किया, यहाँ पर जो 0 3 लिखा था आपने डायरेक्ट पहले आपने देखा कि 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 1 से डिवाइड किया, नहीं जा सकता है। तो आपने क्या किया, सेकंड डिजिट लेना स्टार्ट किया। पहले 1 के साथ डिवाइड करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं गया, ठीक है, छोटा है इसलिए नहीं किया। तो हम एक डिजिट ना कंसिडर करके 2 डिजिट कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो कि हम यहाँ पर 0 लिख कर एंड ये 0 लिख कर आगे कर रहे थे वो काम हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 0 3 लिखना या 3 लिखना बात सेम है, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे जितना भी आप डिजिट 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके आगे जितना 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पीछे 0 होता है तो फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो सकता, तो पहले अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा 1 से नहीं जाएगा तो सेकेंड वाले डिजिट को साथ में लेते हैं, अच्छा 15 के साथ लेते हैं। तो 15 कितना टाइम से जाएगा, 3 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा 15 एंड 15 एंड ये 0 एंड ये 0, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई? तो देखिए चीज़ें वही होती हैं, थोड़ा सा मैं देखने का तरीका बदला। ये तरीका मैंने आपको क्यों थोड़ा सा इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया, क्योंकि जब आप बाइनरी में डिवाइड करोगे ना तो इस चीज़ को आपको माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे लेट सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 78 है, ठीक है, एंड 78 को आप क्या कर रहे हो, 4 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। ये 78 है एंड इसको आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो क्या करोगे, 4 को 7 जा सकता है क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है 4 से, तो ये चला जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा। तो ये क्या, 4 यहाँ पर लिखे आपने 4 और 7 - 4 क्या हो गया, 3, ठीक है। अब यहाँ पर 3 आया, अब ये सेकंड डिजिट को आप क्या करोगे, यहाँ पर नीचे ले जाओगे, नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा क्या, 38। तो ये 7, अब ये 3 से नहीं जाएगा, 38 के साथ जाएगा। तो 4 के टेबल में 38 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में 36 आता है, ठीक है। 38 आता नहीं है तो 36 आ गया। अब 36 आ गया तो 8 - 6 2 एंड 3 - 3 0। तो अब देखो यहाँ पर 0 2 है, या इसको 2 समझो क्योंकि किसी भी डिजिट के आगे 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी 2 हुआ तब आप क्या करते हो, यहाँ पर एक पॉइंट बैठा दो, ठीक है। एक पॉइंट बैठाने के बाद आप यहाँ पर 0 उठा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर 0 लिख दिया तो अब ये क्या हो गया, 0 2 0 नहीं पढ़ोगे इसको, इसको 20 पढ़ोगे, क्योंकि आगे ये 0 इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये हो गया 20। अब आप क्या करोगे, इसको 5 से 4 5 से 20, तो इसको आपने डिवाइड किया एंड ये यहाँ पर, सॉरी मैंने क्रॉस कर दिया, क्रॉस नहीं कीजिए आप, यहाँ पे आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 0 एंड 0, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी एग्जांपल को लेकर बाइनरी में कैसे डिवीजन करते हैं इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो 4 का क्या होता है बाइनरी, 4 का बाइनरी होता है 1 0 0, ठीक है। अब 78 का बाइनरी मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा,
ये सही है, 1001 अभी ऐसा नहीं कि मुझे अपना ऑटोमेटिक यहाँ पर याद आ गया, नहीं ये कुछ मैंने पहले से कर कर रखा है। तो ये हो गया 78 का बाइनरी, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो जो रूल हम लोग यहाँ पर करते थे ना कि 5 को 115 है तो पहले 1 डिजिट को डिवाइड करते थे 5 से, नहीं जाता था तो फिर सेकेंड डिजिट को कंसिडर करना स्टार्ट किए। इस वाले स्टेप में भी वही किए, इस स्टेप में 0 लिखे, इस स्टेप में डायरेक्ट किए, तो हम लोग ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे जो स्टेप में यहाँ पर किया था। देखिए अब देखिए, पहला डिजिट हम कंसिडर करते हैं, फर्स्ट डिजिट, ये क्या है, 100 क्या है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को। तो आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, ठीक है, ये 4 है, ये वाला 4 है, ठीक है, एंड ये 1 है, तो 1 को 4 से आपको डिवाइड करना है, नहीं जाएगा क्योंकि ये 1 छोटा है। तब आप क्या करोगे, 2 डिजिट को कंसिडर करना स्टार्ट करोगे, जैसा हम लोगों ने इस वाले डिवीजन में किया था अभी, ठीक है। इस वाले डिवीजन में क्या कर, पहले 1 को डिवाइड करने की कोशिश की, नहीं गया, तो हम 2 डिजिट 15 को एक साथ लेकर डिवाइड करने की कोशिश करने लगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर आपको सेम करना है, 1 से डिवाइड किया 4 को, 4 से 1 में डिवीजन किया, नहीं गया क्योंकि 1 छोटा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 डिजिट को एक साथ लेना स्टार्ट किया, तो क्या हो गया, 1 0 हो गया। तो 1 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 102 है, ये हो गया 2 एंड ये है 4। अभी भी ये डिजिट छोटा है तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट को लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, 100, 100 क्या हो गया, 4, एंड ये साइड क्या है, किसे 4 में किसे डिवाइड करना है, 4 से, तो ये चला जाएगा क्योंकि डिवीजन के लिए ज़रूरी है कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से, मतलब ये वाला नंबर जो हो जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड हो रहा है इस वाले नंबर से, इस वाले नंबर से ये वाला नंबर, ये वाला नंबर बड़ा हो या बराबर हो, तो बराबर हो गया तब डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम डिवीज़न करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हमने क्या किया, 3 डिजिट को लेकर एक साथ चले, तो ये क्या हुआ, 4, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 है, ये 4 है, इसको तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम्स में लेकर जाएंगे, 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में लेकर गए तो क्या आएगा, 1004, ठीक है। अब 0 माइनस 0, अब यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन में हम क्या यूज करते थे, बाइनरी एडिशन, ठीक है। ऐसे इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे, तो 0 माइनस किया हुआ 0, 1 0 माइनस 0 क्या हुआ, 0, एंड 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0। अब देखिए ये 3 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद का डिजिट क्या है, 1, पहला एक डिजिट को हम उतारते हैं, एक बार में हमने एक डिजिट को लेकर आया नीचे, ठीक है, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर है 1 एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 4। अब 4 से हम 1 भी डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक और डिजिट को नीचे लाना होगा, ठीक है। तो एक और डिजिट को नीचे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक 0 बैठाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक 0 हमने बैठाया, एक डिजिट और आ जाएगा, जो नॉर्मल डिवीजन का प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अभी 1111 किसका है, बाइनरी 3, तो यहाँ पर हो गया 3 एंड यहाँ पर है 4, ठीक है। तो इस 3 को डिवाइड करना है 4 से, ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक और डिजिट को नीचे लाएंगे, ठीक है। तो एक और डिजिट आ गया 3, 1 आ गया, एक और 1 आ गया, एंड एक और 1 हमने लाया, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, वो 0, ठीक है। आई थिंक इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, वन वन वन, ठीक है। एंड इसके आगे ये 3 0, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि किसी भी नंबर का आगे कितना भी 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये यहाँ पर आ गया 3 1, ठीक है। तो 111 किसका बाइनरी होता है, 7, एंड यहाँ पर क्या है, 4, 4 यहाँ पर एंड 7 यहाँ पर है, तो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को 7 में 4 से डिवाइड करोगे, कितने टाइम्स में डिवाइड करोगे, 1 टाइम्स में डिवाइड करोगे, तब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, 4, ठीक है। ये 7 है तो आप 1 टाइम्स में डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर लिखोगे 4, 4 का बाइनरी क्या होगा, 1100 होगा, 1 नहीं होगा, तो ये हमने 4 का बाइनरी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, एंड 110 ये, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, एक ये वाला नंबर, ये वाला डिजिट बचा हुआ है ना, इस वाले डिजिट को अब हम क्या करेंगे, नीचे कॉपी करेंगे, ठीक है। तो इस वाले डिजिट को हमने नीचे कैरी किया, ठीक है। तो इस वाले डिजिट को तो कंसिडर नहीं करेंगे, इस वाले 110 को कंसिडर करेंगे। तब देखिए 110 किसका बाइनरी नंबर है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 4 2 6, ठीक है। तो ये 6 होता है, ये 6 का बाइनरी है, ये 6 का बाइनरी है, यहाँ पर 6 है एंड यहाँ पर क्या है, 4 है, ठीक है। तो अब डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड हम कितने टाइम्स में करेंगे, 1 टाइम्स में करेंगे,
ठीक है, तो ये 1 लिखा एंड यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1 0 0, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 1 0। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 1 0 बचा, ठीक है। 1 0 किसका बाइनरी होता है, 2 का बाइनरी होता है। यहाँ पर आपका है 2, ठीक है, एंड यहाँ पर आपको किसे डिवाइड करना है, 4 से, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप क्या करो, इसके आगे का कोई डिजिट है जो ऊपर से नीचे आ सकता है, नहीं है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है जो ऊपर से नीचे आए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप बैठाओगे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट बैठा है। पॉइंट बैठाने के बाद आपको क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक 0 नीचे ला सकते हो, ठीक है, 0 नीचे ला सकते हो, तो आप क्या हो गया, 1 00, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिवीजन में भी जैसे पॉइंट बैठाते हैं, यहाँ पर एक 0 आ जाता है, तो 1 00 हुआ, 1 00 हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4, एंड यहाँ पर भी क्या है, 4। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा, तो इसको हमने किया 1, तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, एंड ये क्या हो गया, 0 0, एंड 1 में से 1 गया 0। अब देखो जैसे आपका रिमाइंडर 0 0 0 आया, इट मीन्स अब आप फर्दर इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो जो प्रोसेस आपका यहाँ पर था, ठीक है, जो प्रोसेस आपका यहाँ पर था कि पहले हमने डिवाइड किया, जो प्रोसेस यहाँ पर इस वाले डिवीजन पहले हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपका 20 बच रहा, 2 बच रहा था, ठीक है, 2 बचने के बाद आप 4 से डिवीजन नहीं कर सकते, तो आपने क्या बैठा है, पॉइंट बैठाया था, पॉइंट बैठाते कि टाइम आपके साथ 0 आ गया था, फिर हो गया था ये 20, देन आपने क्या किया था, 5 टाइम्स इसको डिवाइड कर दिया था। सेम प्रोसेस यहाँ पर था, ठीक है, 1 0 आ रहा था, 1 0 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, जब 2 के साथ नहीं जा सकता था, तो फिर हमने क्या बैठा है, पॉइंट बैठा है, पॉइंट के साथ 0 बैठा है, 0 बैठा तो ये हो गया 4, एंड इसको हमने 1 टाइम्स में लेकर चले गए। अब देखिए अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो बाइनरी है, ये बाइनरी क्या है, 19.5 है। कैसे प्रूफ होगा, आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल बाइनरी को कैसे हम लोग डेसिमल पॉइंट ऑफ बाइनरी, मतलब वैसा बाइनरी जिसमें पॉइंट आते हैं, उसको हम लोग कैसे डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या ऊपर आपको यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगा, अभी आपको लिंक आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर एक फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है, इस पोजिशन को आप क्या करते हो, 1 लिख दो, इस पोजिशन को क्या करते हो, 2, इस पोजिशन को 4, इस पोजीशन को 8 एंड इस पोजीशन को 16, ठीक है। पॉइंट को एज इट इज पॉइंट लिखते हैं, एंड इस पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स में जाते हैं, ठीक है, 2 पे पावर माइनस 1। तो देखिए आपको क्या करना है, इस पोजीशन की वैल्यू क्या है, 1, एंड यहाँ आप इस पोजीशन को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 को, तो 16 × 1 प्लस ये 0 है, तो इसको इसको कोई कंसिडर नहीं करना, जो भी 1 वाला होगा उसको कंसिडर करेंगे, तो 1 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा, एंड इसको क्या करना होगा, 1 × 1/2, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स में चलता है, पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, जो पावर बैठाते हैं 2 पे वो निगेटिव में बैठाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने पहले बता रखा हूँ इसी वीडियो पे, तो आप उस चीज़ को देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आ जाए, ये 16 हो गया प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ये पॉइंट, ये 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1/5, सॉरी 1/5 नहीं, 1/2 होगा ना, 1/2, ये प्लस में है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्लस होता है, ठीक है, तो 16 प्लस 2 18 प्लस 1 19, तो ये हो गया 19 प्लस में क्या करना है, पॉइंट ये क्या है, 1/2 क्या होता है, 0.5, ठीक है, तो ये हो गया 0.5, तो ये हो जाएगा 19.5, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग बाइनरी में डिवीजन करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसलिए, ये वाला प्रोसेस मैंने आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि ये क्या कर रहा है, 19.5 ही है, ठीक है। ऐसे आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड इससे रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है,
कुछ भी नया नहीं है बाइनरी डिवीजन में, जस्ट जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही डिवीजन है, ठीक है। एक एक डिजिट को पहले हम कंसीडर करेंगे, अगर वो डिजिट इस डिजिट से डिवाइड होने लायक होगा या उससे बड़ा होगा या उससे के बराबर होगा, ठीक है, तब हम डिवाइड करेंगे। अगर नहीं होगा तो उसके अगले वाले डिजिट को कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे जहाँ पे वो ख़त्म होगा, अगर 0 0 आ गया तो ठीक है, अगर 0 0 नहीं आता है तो पॉइंट वहाँ पर बैठा कर एंड हम क्या करेंगे, 0 यहाँ पर जैसे नॉर्मल डिवीजन में हम करते हैं वैसे हम करेंगे, ठीक है। एंड इस चीज़ को मैंने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया, तो आई होप कि आपको बाइनरी डिवीजन कैसे करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर पाऊँ, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, एंड आपके लाइक्स एंड कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है ताकि मैं नए नए वीडियो आपके लिए बताता हूँ, ठीक है। तो कमेंट जरूर करें एंड लाइक जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, गॉड ब्लेस यू।